अच्छा, तो इसमें ये है कि जो मैंने आपको एक असाइनमेंट दी थी, एक ये फिलहाल असाइनमेंट दी है, उसमें जो मैंने उसकी एक एक्सप्लेनेशन दी थी कि एक होते हैं मेंस और एक होता है लेटरल्स, ठीक है। मैं क्लिक किए, मैंने किया थोड़ा थोड़ा स्लो है मोटर, लेकिन मैं उसको खोलता हूँ असाइनमेंट। आपने वो 13 चैप्टर में डीसी डिस्ट्रीब्यूशन या एसी डिस्ट्रीब्यूशन का चैप्टर पढ़ा था ना, मेहता में, तो उसको मैंने जो है ना वो कुछ नहीं किया, ये आपके सामने आ गई है मेरा ख्याल है। हाँ ये ठीक है। अच्छा अब ये देखो कि ये जो आपको मेन लाइन नजर आ रही है, मेन लाइन जो है ये मेंस है, इसको हम मेंस कहते हैं, ठीक है। और जो जो फिर इसके बाद यहाँ उसने लोड लगाया हुआ है, जैसे ये 80 एम्पेयर का लोड लगा हुआ है, यहाँ 90 एम्पेयर का लोड लगा हुआ है, ये लेटरल्स होते हैं इस, यानी इस बस का यहाँ पर हमने लेटरल निकाला, ठीक है। सर, तो हमें ये अभी भी ई टाइप की स्क्रीन ही नजर आ रही है, मतलब बुक नहीं नजर अच्छा आ ई रहा टाइप की स्क्रीन, ओ हाँ, मैंने शेयर नहीं किया, मैं समझा कि तो ये जो आपको नजर आ रहा है ये मेन है, जी मेन्स, सर। बहुत ठीक है, ये मेन्स है। और जो जहाँ पे ये लोड लगा हुआ है, 80 एम्पेयर का लोड है, 90 एम्पेयर का लोड है, ठीक है, ये लेटरल्स है, लेटरल्स। और इसका मेरा ख्याल है कि मैंने शायद यहाँ पे भी जिक्र किया होगा, ये भी किया, लेकिन है ऐसे ही। और इसका जो रेफरेंस है मजीद, और वो चैप्टर नंबर 13 है मेहता का, या चैप्टर नंबर 14 एसी डिस्ट्रीब्यूशन डीसी डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें आपने देखा होगा जी एक फीडर एंड होता है ऐसे, फिर उसके बाद जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर होता है और उसकी टैपिंग हो रही होती है, तो उसमें भी मेन डिस्ट्रीब्यूटर होता है और जहाँ जहाँ उसकी टैपिंग होती है ना, टैपिंग को हम लेटरल्स कहते हैं, ठीक है, मेन्स का लेटरल। तो अब यहाँ पर भी जो मैंने इसको बनाया है ना, जो ई टैप का ये जो मैंने छोटा सा एक सिस्टम स्केच किया, इसमें भी मैंने कुछ इस तरह ही करने की कोशिश की है कि जो है देखें, ये वाला जो आपको जेड वन नजर आ रहे हैं, ये आपकी सप्लाई आ गई है, फीडर एंड आ गया, दिस इज द फीडर एंड, एंड व्हाट इज दिस, दिस इज द बस नंबर वन, ठीक है। ये मेन्स आ रहा है, यानी जो जेड वन है ये मेन की इम्पिडेंस, फिर उसके बाद यहाँ पर लोड टैप हो गया, ठीक है, ये हम इसको लेटरल्स कह सकते हैं, ये लेटरल्स। फिर उसके बाद ये मेन अभी आगे जा रहा है Z2, फिर ये मेन और आगे जा रहा है Z3, और यहाँ पर जो बस नंबर 3 है वहाँ पे फिर लेटरल्स लगा, क्योंकि यहाँ पे टैप आ गया, टैपिंग हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बस नंबर 4 पर फिर एक टैपिंग है लोड, ठीक है। तो ये इस तरीके के साथ मैंने इसको इसलिए स्केच किया है ताकि एक तो हमें इंस्टेंटेनियस ट्रिपिंग का कुछ पता चले कि अगर मैंने एक टैपिंग में रिले को ट्रिप करवाना है तो वो उसकी सेटिंग वगैरह हमें कैसे करनी है, और फिर अगर मैंने उसका बैकअप बनाना है, जैसे यहाँ पर आपको ये रिले वन नज़र आ रही है, इसका बैकअप जो है वो रिले थ्री है, ठीक है, और रिले थ्री का बैकअप जो है वो रिले फोर होगा, ठीक है, यानी फॉर एनी फॉल्ट इन दिस टैपिंग, तो सबसे पहले रिले वन को ट्रिप करना चाहिए, फिर रिले थ्री को ट्रिप करना चाहिए, और फिर चूंकि रिले थ्री मेंस में लगी है ना, तो उसका बैकअप रिले फोर होगा जो कि मेंस में लगा हो। तो इस तरीके के साथ मैंने ये जो नेटवर्क है इसको मैंने डिजाइन किया। अच्छा, अगर मैं इस टैपिंग की बात करूँ, ये वाली जो दूसरी टैपिंग है लंप टू जहाँ पर है, तो इसका जो प्राइमरी जो इसकी प्रोटेक्शन है, इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन, वो रिले टू है, और फिर उसका बैकअप रिले फोर हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट रिले टू एंड देन द बैकअप वुड बी रिले फोर। तो ये इसीलिए मैंने इसको इस तरीके के साथ डिजाइन किया, ठीक है। अब इसमें वो पिछली चीजें भी रिवाइज हो जाएंगी। अच्छा, अब इसमें क्वेश्चन ये है कि जी हाउ टू सेट द ऑल द थिंग्स, ठीक है, तो ये आपको पता है कि जी हम इस तरीके के साथ
सबसे पहले जो अपना ग्रिड सोर्स है वो हम सिलेक्ट करते हैं, और ये मैंने 11 kV का रखा हुआ है। अगर आप ये रेटिंग देखें तो इट इज़ ऑफ 11 kV, और शॉर्ट सर्किट की जो इसकी वैल्यू है वो मैंने 12 सिलेक्ट किया है, 3 फेज। और सिंगल फेज वैल्यू जो है वो 7 है। ये मैंने एक्चुअली जो है ना जिस तरीके के साथ सिलेक्ट किया, मतलब आपके जहन में ये आ रहा होगा कि ये मैंने वैल्यू 12 कैसे ले ली और 12 कैसे ले ली, सिंगल फेज की मैंने 7 कैसे ले ली और X/R 8 वगैरह। तो अब ऐसे है कि मैंने ये थोड़ा टारगेट किया कि मैंने अपना जो ये वाला जो शॉर्ट सर्किट करंट है ना जो सिस्टम में फ्लो करेगा उसको कुछ मैंने यहाँ तक लिमिट करना है, यानी 3 फेज जो शॉर्ट सर्किट करंट है वो 630 एम्पेयर्स होगा। ये 0.63 किलो एम्पेयर है ना, तो ये 630 एम्पेयर बन जाएगा। और इसी तरह से जो सिंगल फेज है वो जाहिर बात है कम होता है, तो वो जो है ना वो यहाँ तक इसका तकरीबन हाफ तो नहीं मतलब, लेकिन बाहर वो इतना बन जाए। तो इसलिए इस तरह की सेटिंग हुई है। ठीक है, अब ये जो मैंने टारगेट किया ना, देखिए ये ऐसे है, ये मैं आपको पहले बता दूं, ये इस तरह सेटिंग्स देख के आप कंफ्यूजन का बहुत ज्यादा शिकार हो जाते हैं, और अक्सर ही वो इसलिए क्योंकि इस तरह से लगता है कि ये हुई कैसे है, ये सोचा कैसे गया, क्योंकि मैंने देखिए पूरा सिस्टम डिजाइन किया। इसकी एक एक चीज मेरे जहन में है कि मैंने ये वाली वैल्यू क्यों रखी है, और डिजाइन किया या मॉडल किया, मेरे ख्याल मॉडल ज्यादा बेहतर लगता है वर्ल्ड। तो मॉडलिंग जो है ना उसमें इस तरह से होता है कि आपको, अब देखिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ करके, मॉडलिंग किसको कहते हैं, ये एक रेडियल नेटवर्क है, रेडियल नेटवर्क, और ये इसमें टैपिंग हुई हुई है सबसे पहले। यानी हम अगर डिस्ट्रीब्यूशन के लिहाज से बात करें तो हमारे पास रेडियल नेटवर्क होता है, इंटरकनेक्टेड होता है, रिंग मेन होता है। ठीक है, तो अब ये मेरे पास रेडियल नेटवर्क है, और रेडियल आप इसको कैसे कह सकते हैं, देखिए ना इसमें कोई भी रिंग नहीं बन रहा, यानी ये जो मेन मेन है इसका कोई भी रिंग नहीं है। ठीक है, और फिर कोई इंटरकनेक्शन भी नहीं है, दूसरा कहीं सोर्स नहीं लगा हुआ, ऐसा नहीं है कि इस बस पर ग्रिड लगा हो या इस बस पर अगेन कोई ग्रिड लगा हो या और इस तरह से आगे। मैंने यानी वो जो आपने याद है आपने मेहता में पढ़ा था, डबल डबल एंड फीडिंग वाला वो एक केस था, यानी बोथ साइड्स फीडिंग वाला, फिर एक अपना सेंटर मिड मिड फीडिंग वाला था इस तरह से। तो वहां पे हम कह सकते हैं कि ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम है, या जहाँ टैपिंग ना हुई हो, सिर्फ फीडर्स दिखाए गए हो, वो रिंग मेन बन जाता है, टैपिंग नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्योंकि टैपिंग है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये वो मेरा फिर रेडियल बन जाता है, ये Z1, Z2, Z3 ये मेरा रेडियल वो डिस्ट्रीब्यूटर बन गया, और यहाँ बस 2 पर टैप हो गया, बस 3 पर टैप हो गया, बस 4 पर टैप हो गया। ठीक हो गया, तो इस तरीके से पहले मैंने सोचा कि मैंने रेडियल सिस्टम बनाना है। ठीक है, मैं आपको ये थोड़ा सा इस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि मतलब ये कि मॉडलिंग कैसे की जानी चाहिए। तो मैंने फिर इस तरीके से बनाया कि यहाँ पर मैंने मैंने बिल्कुल मेहता का जो वो चैप्टर है 13 उसको मैंने जहन में रखा, बल्कि यूं कहने खोल के रखा मैंने कि यार मैंने यहाँ से एक टैप निकालना है। ठीक है, ये मैंने वहां से देखा बकायदा, और इसकी एक इम्पीडेंस मैंने सिलेक्ट की कहाँ से, जो आपकी बुक है होरोविट्स की, उसका चैप्टर नंबर 1 का जो लास्ट एंड प्रॉब्लम्स है वहां से मैंने वैल्यूज लिए पर यूनिट की वैल्यू। ठीक है, तो अब ली अच्छा वो भी कैसे ली है ये वो भी देख लें कि ये जो आपके लेटरल्स हैं इसकी जो इम्पीडेंस है वो थोड़ी सी मैंने कम ली है, और फिर ऊपर की जो वैल्यू है वो थोड़ी सी जरा कोशिश की है कि मैंने ज्यादा हो थोड़ी सी। तो यानी इस तरीके के साथ मैंने कुछ इसकी वैल्यूज जो है वो सिलेक्ट की, बाकी वैल्यूज दी हुई है चैप्टर 1 का जो एंड प्रॉब्लम है आपने वो किया होगा वहां पे। ठीक है, तो पहले मैंने बेसिक सारा सिस्टम डिजाइन किया, प्रोटेक्शन नहीं लगाई, जब तक आपका पावर फ्लो एनालिसिस नहीं होता सिस्टम का ना, प्रोटेक्शन तो लगाने का तुक्के नहीं बनता। तो ये जो आपको CT नजर आ रहा है, रिले ब्रेकर नजर आ रहा है, ये नहीं लगाएंगे। सबसे पहले आप मेन रेडियल सिस्टम डिजाइन करके टैप निकालेंगे कि आपने कितनी टैपिंग निकाली। तो मैंने पहले ये Z1, 2, 3 लगाया, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक टैप यहाँ पे कर लेता हूँ, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, उससे ज़रा अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अभी देखें ये वाला जो टैप है ना, इस पर मैंने कोई भी प्रोटेक्शन नहीं लगाई, अभी ये काम करने वाला है। आप यहाँ भी प्रोटेक्शन लगाएं, फिर और पीछे भी लगाएं ना, यहाँ भी लगाएं आप,
ठीक है, यहाँ भी इस बस पर भी प्रोटेक्शन लगाएं ताकि यहाँ पर फॉल्ट हो तो ये बैकअप पे भी मजीद हमें सोर्स के पास पता चले और पीछे, यानी ये दो प्रोटेक्शन अभी लगाना बाकी है इसमें, तो वो आप लगा सकते हैं। फिर Z3 को और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं Z4 में। अच्छा, ये Z4 यहाँ लिखा हुआ है, Z5 भी लिखा हुआ है, Z6 बन जाएगा, ठीक है, यानी ये और आगे भी चल सकता है, Z1 2 3, और ये आगे और भी चल सकता है इस तरह से, वो भी आगे बढ़ाते जाएं और देखते जाएं। फिर कहीं मैंने अभी लेटरल में ट्रांसफॉर्मर नहीं लगाया, सारा सिस्टम एक ही केवी पे चल रहा है, 11 केवी पे सारा सिस्टम है जो चल रहा है, हालांकि ट्रांसफार्मर भी लगा लेना चाहिए, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे ट्रांसफार्मर भी लग सकता है। तो ये नहीं कि पहले आप बेसिक मॉडल डिजाइन करेंगे, ठीक है, ये बहुत सारी रिवीजन है जो कि हमने वो की है पहली लहर में, लेकिन टू स्टार्ट विद, हम अगर उसको एक तरीके से नहीं रिवाइज करेंगे ना तो वो आगे अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैंने ये इसलिए आपको बताया, ये वाली जो मॉडलिंग है ना बेसिक सिस्टम की, ये बहुत अहम है। सो फर्स्ट आई हैव डिजाइन द बेसिक मॉडल विद पावर सोर्स, ग्रिड सोर्स। अच्छा, उसमें भी एक और मैं आपको बात बताता हूँ, ये देखें, ये शॉर्ट सर्किट की वैल्यू है, ये शॉर्ट सर्किट की वैल्यू उसी वक्त रिक्वायर्ड होगी जब आपने शॉर्ट सर्किट एनालिसिस करना है। ये आप बेशक ना लिखें वैल्यू इनिशियली, बिल्कुल इसको कोरा छोड़ दें, खाली सिर्फ इसकी रेटिंग मेंशन कर दें कि जी आपने 11 केवी का सिस्टम रखना है, 6.4 केवी का रखना है, 3.3 केवी का रखना है, 400 वोल्ट का रखना है, क्या रखना है, या 4 केवी का सिस्टम है। तो मैंने 11 केवी, एक बड़ा वेल नोन फिगर है, मैंने वो सिलेक्ट कर लिया, और पावर फ्लो मेरे जहन में है कि मेरा पहले पावर फ्लो चलना चाहिए, फिर मैंने यहाँ पर Z1 लगाया, अगेन Z2, फिर मैंने टैपिंग ली। अच्छा, अब ये मेरे जहन में है कि मैंने इसको लोड को सिलेक्ट करना है, वो कैसे, कि ये देखिए मैंने तरतीब बार कुछ इस तरह ओपन रैंडम भी हो सकता है, लेकिन मैंने सोचा चले मैं पहला लोड जरा हैवी ले लेता हूँ, फिर अगले दो छोटे जरा उससे कम ले लेता हूँ। अब लोड में भी आप देखें, मैं लोड को खोल के दिखाता हूँ आप, क्योंकि ये बड़ा अहम, हालांकि हमने इसको कई दफ़ा सिलेक्ट किया, लेकिन दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, हर दफ़ा उसकी रिव्यू होनी चाहिए। अच्छा, तो रेटेड 11 KV ये पहले, सबसे पहले बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अच्छा, फिर एरर्स नहीं आते, आपको याद होगा फर्स्ट 2 लैब्स में बहुत सारे एरर्स आ रहे थे, वो जो आता था वो बस वोल्टेज इज आउट ऑफ 40% ऑफ, इस तरह से करके वो एरर, तो यकीन करें कि मेरा सिवाय इसके कि मैंने जो अपनी इंपीडेंस सेट की थी कोई एरर नहीं आया, क्योंकि मैंने शुरू से सोच लिया था कि मैंने इस तरह से पहले बेसिक सिस्टम डिजाइन करना है। अच्छा, एरर क्यों नहीं आया, एक और भी वजह मैं पहले ये लोड का आपको बता दूं, जरा मैं अभी खोला हुआ, तो मैंने सोचा कि मैं इस तरह करता हूँ कि जी मैंने अपने जहन में एक फिगर रखी 800 किलोवाट विद 85% पावर फैक्टर। ये फैक्टर मेरे जहन में कहाँ से आया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा, जो हमारा सेन ब्लॉक है, या जैसे SCD बिल्डिंग है, या आपकी बैंक बिल्डिंग है, तो HVAC जो है ना उसके साथ जो लोड बन जाता है वो तकरीबन इतना ही है, मेरा ख्याल, मैंने भी पहले एक दफा आपको बताया हुआ, तो ये फिगर मेरे जहन में थी कि मैं किलोवाट इतने सिलेक्ट कर लेता हूँ विद दिस मच पावर फैक्टर, तो वो KVA फिर वो मुझे दे रहा था, तो फिर मैंने कहा कि मैं KVA सेट कर लेता हूँ, यहाँ पर सेटिंग खुद ही हो जाएगी। अभी देखिए ये पूरा 800 नहीं है, 769 है, तो डजेंट मैटर, तो वो 9904 फिर मैंने KVA सेट किया, तो वो मुझे 85% पावर फैक्टर के साथ ये करंट मिल गया, तो मैंने कहा ये मेरा लोड तकरीबन सेट हो गया। एक बात, दूसरी बात देखें कि लोड की कैटेगरी क्या है, ये ऊपर पूरा सिग्नेचर देता है लोड का, सी 904 KVA, 11 KV, और ब्रैकेट में उसने लिख दिया कि ये लोड की टाइप क्या है, ठीक, ब्रैकेट में वो हमेशा आपको मेंशन करेगा कि व्हाट इज द कैटेगरी ऑफ द लोड, सो इट इज 0% मोटर लोड, ठीक है, इसमें कोई भी मोटरिंग लोड शामिल नहीं है, यानी कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं लगा हुआ जो कि पंखा हो, एसी हो, कुछ भी नहीं है, कुछ स्टैटिक डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है, और हो सकते हैं कुछ लाइटिंग लोड है, कुछ और हीटिंग लोड है, कुछ भी है, लेकिन मोटरिंग लोड नहीं है, कुछ वेल्डिंग का काम में भी हो रहा हो या वट एवर, लेकिन स्टैटिक टाइप लोड लगा हुआ, और ये आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ये जहाँ पे लिखा हुआ है लोड टाइप, ठीक, इस बार को अगर आप नेविगेट करें, अगर 100 इधर ऊपर 100 की तरफ लेकर आए तो वो 100% मोटरिंग लोड बन जाएगा। मैंने क्यों स्टैटिक लिया, मैंने इसलिए स्टैटिक लिया क्योंकि अगर मैं मोटरिंग लोड लेता हूँ ना तो फॉल्ट की कंट्रीब्यूशन मोटर के साथ भी होती है, उससे मेरी रिले की जो सेटिंग है ना वो मुतासर होती है और मुझे सही रिजल्ट नहीं मिलेगा। ये हमने हॉरोविट्स की बुक में पढ़ा हुआ है कि अगर वो डायरेक्शनल रिले में हमने पढ़ा हुआ, आपको याद होगा चैप्टर नंबर आई गेस 4 ही है, डायरेक्शनल रिले में उसने बताया हुआ कि विद जो है ना फीडिंग
फॉल्ट आपकी रिले की जो सेटिंग है वो बदल जाती है। इस चीज को जहन में रख के मैंने इसको 0% स्टैटिक लोड यानी 0% वर्किंग लोड और 100% स्टैटिक लोड बनाया टू स्टार्ट विद कि अभी मैं नहीं चाहता कि मुझे मोटर का कंट्रीब्यूशन नजर आए, क्योंकि मेरी आईपी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है कि मैंने कोई सीक्वेंस एनालिसिस करना है और समथिंग लाइक दिस, कुछ मैंने अर्थिंग देखनी है, क्योंकि उसमें ही होता है ना कि फिर आप मोटरिंग लोड भी रखें और कुछ देखें कि भाई वहाँ से क्या कंट्रीब्यूशन आ रहा है, और कुछ डायरेक्शन वाला कुछ काम नहीं मैंने अभी इसको सिंपल रखा। शॉर्ट सर्किट सेटिंग भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आई हैव टू स्टार्ट विद सिंपल स्टेप्स। अच्छा, ये मैंने आपको बताना था कि वो एरर क्यों आते हैं। देखें, ये सोर्स है ग्रिड सोर्स, और ये आपका रिएक्टर, ये आपको एडिट मोड में जाकर मैं बता दूं, ये मैंने ये लिया है, ये वाला इम्पीडेंस, दिस दिस थिंग आई हैव सिलेक्टेड। ठीक, दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने चीज़ ली है इम्पीडेंस, ठीक है जी, ये मैंने ली है और यहाँ पर मैंने रखी। तो यही हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि हमने लेनी है, क्योंकि इसमें क्यों, क्योंकि अगर आप इसको डबल क्लिक करके खोलें, इसमें वो बड़ी अच्छी सेटिंग्स देता है हर तरह की। मतलब एक तो आप केबल की सेटिंग से बच जाते हैं जो कि बहुत लेंथी सेटिंग है। हमारा जो पर्पस है वो रिले की प्रोटेक्शन पढ़ना, जो मैंने अभी तक नहीं बताई, इसीलिए अगर मैं केबल की सेटिंग में चला गया या मैंने जनरेटर सेलेक्ट करना शुरू कर दिया मोटर, तो वो बहुत लंबा चौड़ा चीज बन जाएगी। अब ये देखो, यहाँ पे मुझे ये बता रहा है, पूछ रहा है सिंपली कि पॉजिटिव सीक्वेंस इंपेडेंस क्या है, जीरो क्या है। वो आपकी होरोविट्स की बुक में चैप्टर नंबर 1 में उसने सारी वैल्यूज दी हुई हैं, जस्ट पुट कर दें। और ये पूछता है कि बेस के भी आपने क्या रखना है। परसेंट से मुराद ये होता है कि ऊपर की वैल्यूज आपकी पर यूनिट में, ठीक है। अगर आपने ओम्स में लेनी है तो यहाँ पे क्लिक कर दें, लेकिन मेरे पास वैल्यूज पर यूनिट में अवेलेबल है ऑन 11 kV बेस एंड बेस MVA बेस 100, तो मैंने यहाँ परसेंट पे ही क्लिक रहने दिया जो बाई डिफॉल्ट ही रहता है। बस इसको ओके कर दें तो ये आपकी इम्पीडेंस सिलेक्ट हो जाती है। तो ये बहुत ही आसान है। तो जब आप इम्पीडेंस को और ग्रिड सोर्स को कनेक्ट करेंगे, ये बस खुद ही बन जाएगी, ठीक, ये बस खुद बन भी जाएगी और अपना वोल्टेज लेवल भी खुद ही सेलेक्ट कर लेगी। नो नीड टू इवन सेट दिस थिंग, मैंने इसको कभी भी सेट नहीं किया कभी भी। और अगर इस तरह ना हुआ मसलन, अच्छा फिर क्या होता है फॉल्ट आपका क्यों आता है, एरर क्यों आता है। आपको याद आया यार मैंने 11 kV नहीं लेना था, मैंने ना 132 kV पे काम करना, या मैंने थोड़े वोल्ट पे काम करना है 400 वोल्ट। अब बस तो अपना वोल्ट ले चुकी है बाय डिफॉल्ट। ई टाइप की सेटिंग में मैंने रखा हुआ है कि नोड बन जाती है जब भी आप दो डिवाइसेस को मिलाते हैं, बस ने अपना वोल्टेज लेवल ले लिया। अब आपने यहाँ पर चेंज की या नीचे कोई अदली बदली की ना, तो इसको आपको तब्दील करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो बहुत बेशुमार ये जितनी बसेज हैं उतने एरर आएंगे। चार बसेज है ना, तो पहले चार एरर तो यही खड़े होंगे कि भाई बस का जो है ना वो वोल्टेज आउट ऑफ 40% है नॉमिनल वोल्टेज और समथिंग लाइक। तो वो आपको फिर एक वो स्टेटमेंट इस तरह की होती है इंतहाई कॉम्प्लेक्स सी, या वो बड़ी लॉजिकल सी, वो समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो क्या गया। तो ये मैंने इसलिए पहले भी इंडिकेट किया था, क्योंकि ये चीज़ रिकॉर्डेड है, तो ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि वेन एवर यू मॉडल इन द ई टाइप, आप ये याद रखें कि पहले सेलेक्ट, पहले पेज पे बनाएं बेशक, फिर बेशक यहाँ पर बनाएं, गलती नहीं होगी, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। वोल्टेज लेवल एक सिलेक्ट करें फिर ना तब्दील करें, क्योंकि बस कभी बार बार तब्दील करना पड़ेगा। अगर नहीं इस तरह नहीं करना, तो फिर ट्रांसफार्मर यूज कर लें, ट्रांसफार्मर की वही वैल्यू रखें जो अब आपने रखी है नए उसकी, इस तरह से भी हो सकता है, बहरहाल वो अलहदा बात है, वो मैं जब ट्रांसफार्मर होगा मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, फिर बस सिलेक्ट हो गई, इम्पिडेंस आ गई, और इस तरह से बेसिक मॉडल बन गए। और फिर मैंने यहाँ पर बताया, मैंने ये लोड सिलेक्ट कर लिए बिल्कुल जैसे ये लम्प 1 है, सिमिलरली मैंने लम्प 2 सिलेक्ट किया। ये 904 kVA का था, इसको 800 kVA का रख लिया, इसको 600 kVA का रख लिया। इस वक्त मुझे लोड की क्या उसको कहते हैं कि जो एम्पेसिटी है यानी कितना हैवी लोड है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है ज्यादा। क्यों इस तरह, इसकी रीजन क्योंकि मेरा सोर्स में कोई मेन ट्रांसफार्मर या पावर ग्रिड ट्रांसफार्मर नहीं लगा हुआ। इसी अगर लगा होता तो ये जितने भी लोड्स हैं, ये मैं आपको इसलिए साथ साथ चीजें बता रहा हूँ क्योंकि इसके ये कई तरीकों से मॉडल हो सकता है, बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है सारी बात। अगर मेरा यहाँ पर ट्रांसफार्मर लगा होता ना, तो मैंने पहले देखना था फुल लोड उसका सेकेंडरी मुझे फुल लोड क्या दे सकता है एम्पेयर, उतने एम्पेयर मैंने ये कैलकुलेट करके फिर लोड को जरा थोड़े थोड़े एम्पेयर करके पूरा करना। अब यहाँ कोई ट्रांसफार्मर है ही नहीं, सीधा फीडर जा रहा है,
डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है, फिटर नहीं कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर जा रहा है और वहां से मैंने टैप निकाला है, तो मुझे क्या फिक्र है, ट्रांसफार्मर ही नहीं है, डायरेक्ट पीछे से चीज आ रही है, तो ये जितना भी केवीए का हो जाए, ये 904 है, ये 800 है, 600 केवीए लंप लोड लगे हैं, तो मेरा यहाँ पर लोड की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। लोड सही लगा होगा तो सीटी सिलेक्ट होगा, सीटी सही सिलेक्ट होगा तो रिले रिले होगी तो ब्रेकर चलेगा, तो ये सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, ये देख। ओके, सो आफ्टर मॉडलिंग ऑल दिस थिंग्स, तो अब आप अपना पी क्यू चलाएं, जो कि आपका होता है लोड फ्लो एनालिसिस, तो ये आपको रिजल्ट देगा। मैंने इसके जो डिस्प्ले ऑप्शंस हैं, डिस्प्ले ऑप्शंस आप यहाँ जाके सेट कर सकते हैं, जो टीवी सा बना होता है, ये आपके सामने भी आ रहा हो, ठीक है, यहाँ पर जाके मैंने जो इसकी सेटिंग की है वो ये किया कि मुझे एम्पेरेज नजर आए बस, और मुझे कोई फिलहाल वैल्यू नहीं चाहिए, यानी मुझे ये नहीं चाहिए कितनी एक्टिव पावर फ्लो कर रही है, कितनी रिएक्टिव पावर फ्लो कर रही है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट यहाँ पर जो चीज सेट होती है वो ये होती है कि एक्टिव और रिएक्टिव पावर वो दिखाने लग जाता है, मुझे ये नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे जो चीज चाहिए थी वो एम्पेरेज थी, जो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली है कि मुझे जो बस है उसके मुझे एम्पेयर चाहिए। देखिए ये लिखा हुआ है बस, ये एसी या एसी डीसी, आपने एसी में आना जारी बात, तो एसी में आके ये देखिए वो हर डिवाइस बता रहा है, क्या जनरेटर की कोई सेटिंग करनी है, जनरेटर की क्या चीज देखनी है, पावर ग्रिड की क्या चीज देखनी है, मोटर की, मैंने बस का जो यहाँ पे, अच्छा ये तो केवी है, यहाँ नहीं मेरा ख्याल रिजल्ट सिलेक्टेड दैट ऑप्शन, ये एम्पेयर है पावर फ्लोज में, यहाँ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि बस पे कितना एम्पेयर जा रहा है, तो यहाँ भी आप टिक मार्क कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको यहाँ पे किया है। पावर फ्लोज जो है उसमें जो बाय डिफॉल्ट क्लिक होता है वो होता है के डब्ल्यू प्लस जे के वी ए आर, ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट ये दिखाता है कितनी एक्टिव एक्टिव पावर फ्लो कर रही है, लेकिन मुझे जो चीज चाहिए थी वो सिर्फ थी एम्पेयरेज, और परसेंट पावर फैक्टर भी मुझे नहीं चाहिए कितने परसेंट पावर फैक्टर पे क्या चीज फ्लो कर, मुझे सिर्फ ये चाहिए कि इस बस में, क्योंकि मैंने सिटी को सिलेक्ट करना है, और आपको पता है कि हमें फुल लोड चाहिए होता है, या पता होना चाहिए कि भाई लोड क्या फ्लो कर रहा है, लोड करंट क्या, तो मैंने इसलिए यहाँ पर सिर्फ ए एम पे क्लिक किया और ओके, ठीक है। बाकी और भी इसमें वो पूछता है जी फ्लो रिजल्ट्स कैसे चाहिए, फ्लो रिजल्ट्स बना दिया, अगर आप रिपोर्ट जनरेट करते हैं तो आपको कंपोजिट मोटर लगी हुई है तो उसका फ्लो चाहिए, या इस तरह से, और ब्रांच लॉसेज अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, तो वो जो के डब्ल्यू और के वी आर आएंगे वो लॉस की सूरत में आ रहे हैं कि जो ब्रांच में लॉस हुए, तो इस तरह की चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, एम मीटर भी जब मुझे यहाँ पर एम मिल रहा है तो एम मीटर मुझे नहीं चाहिए, इस तरह से बस यहाँ पर ओके कर, ठीक हो गया, तो ये आपको जो है वो यहाँ पर एम्पेयर जाने। अब देखिए मुझे ये पता चल रहा है, मुझे क्या पता चल रहा है, मुझे ये पता चल रहा है कि ये जो बस फोर है, ये जो बस फोर है इसमें 31.5 एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, बस फोर में, और इसी तरह से जो बस नंबर थ्री है इसमें 42 एम्पेयर फ्लो कर रहे हैं। अगर मैंने यहाँ प्रोटेक्शन लगानी है तो दोनों का सम लेकर मैं यहाँ पर सिटी को सिलेक्ट करूँ, ठीक है, तो इस तरीके से, यानी ये वाला जो करंट है ये इस लंप लोड में जा रहा है, और ये जो सिटी मैंने सिलेक्ट की, ये वाली जो ब्रांच है, जो मेन्स की ये वाली ब्रांच है, ये इट इज द सम ऑफ द टू करंट्स, ठीक है, तो इससे मुझे मेरा सिटी सिलेक्ट हो जाएगा बहुत जल्दी। जैसे कि अब ये देखें, अब इस ब्रांच में 31.5 एम्पेयर फ्लो कर रहा है। अच्छा, फिर मैंने यूं किया, मेरे जहन में ये आया कि मैंने अब अपनी प्रोटेक्शन लगानी, अब प्रोटेक्शन लगानी किस पे, तो एक ये चीज़ होती है कि ये देखें आप डायरेक्ट बस नंबर फोर पे लोड लगा दें, ये भी एक ऑप्शन, डायरेक्ट बस नंबर फोर पर आप लोड लगाएं, लेकिन मैंने यूं नहीं किया, मैंने ये सोचा है कि डायरेक्ट बस पर लोड कब लगता है, कभी भी नहीं लगता, क्योंकि बस इज मेंट टू बी अ ग्रिड, अ सब स्टेशन, ठीक है, उसके बाद जरूर कोई ना कोई अंडरग्राउंड केबल होती है या ओवरहेड वायर्स होती हैं जिसके बाद आपने लोड लगाया होता है, ठीक है, तो मैंने उसी नजरिए के तहत मैंने डायरेक्ट बस नंबर फोर पे लोड नहीं लगाया, मैंने एक और इम्पीडेंस लगाई जेड फोर, यानी मैंने पूरा उसका लेटरल बनाया यहाँ पे जेड फोर, मैंने एक और इम्पीडेंस लगाई, उसके बाद मैंने यहाँ पे लोड लगाए, उससे उसने मुझे एक और बस बना दी है जो कि आगे इस्तेमाल हो सकती है, ये बस फाइव जो है आगे क्या इस्तेमाल हो सकती है, यहाँ पर मैं कोई लोड लगा सकता हूँ या कुछ और मैं एक्सटेंशन कर सकता हूँ, या प्रोटेक्शन में अगर इसी लोड की यहाँ पर भी लगाना चाहूँ, इस इम्पीडेंस के बाद यहाँ पर भी मैं लोकल प्रोटेक्शन मजीद लगाना चाहूँ तो मैं लगा सकता हूँ, ठीक है, तो ये वाली जो प्रोटेक्शन मैंने अब लगाई है, ये जो आपको नजर आ रहा है रिले, सॉरी सीटी रिले ब्रेकर, ये बस
फोर की प्रोटेक्शन हम यूँ कहेंगे। क्यों ऐसा है? क्योंकि या ये बस फोर पर लगी हुई है यूँ कहेंगे, यानी ये वाली जो प्रोटेक्शन स्कीम है ये बस नंबर फोर पे लगी हुई, ठीक है। अब आप फॉल्ट यहाँ क्रिएट करेंगे ना बस नंबर फाइव पे, तो इस सिटी में से करंट गुजर कर जाएगा और ये रिले इस ब्रेकर को ट्रिप करवाएगी और हम कहेंगे कि ये वाला सेक्शन पूरा बंद हो गया, ठीक है, इस तरीके के साथ। तो इसीलिए मैंने ना यहाँ पर भी दूसरी टैपिंग में भी मैंने डायरेक्ट बस नंबर थ्री पे लोड नहीं लगाया, मैंने बाकायदा से एक इम्पीडेंस या एक रिएक्टर और रिएक्टेंस और लगा के फिर मैंने लोड लगाया, जिससे मेरे पास एक और बस बन गई है। तो बनती रही, कोई ऐसी बात नहीं, मैं उसको बाद में यूज़ कर सकता हूँ अगर मैंने कोई और मजीद लोड लगाना है जैसे मैंने पहले बताया। तो प्रोटेक्शन मैंने यहाँ पर लगाई है, ठीक है, यहाँ। उसकी वजह यही है कि मैं ये चाहता हूँ जब मैं यहाँ पर फॉल्ट डालूँ इस बस पे तो तब ये ट्रिप करे। यानी ये भी वो होरोविट्स में इस तरह की डायग्राम बनी हुई थी, तो मैंने उसी को मॉडल करने की कोशिश की कि इस तरीके के साथ बने तो ज़रा और अच्छी समझ आए, ठीक है। तो ये अभी मैंने देखे यहाँ पर आपके सामने ही है कि ये वाला जो लोड लगा हुआ है ये डायरेक्ट इस बस पे लगा हुआ है, ठीक है। ये जो आपके पास बस है टू, ये बस टू पे डायरेक्ट ये लंप वन लोड लगा हुआ है डायरेक्ट, और मैंने यहाँ पर अभी कोई बाकायदा से कोई रिएक्टेंस नहीं लगाई, लेकिन वो इसीलिए क्योंकि मैंने इन दो को डिज़ाइन किया और इसी की डिज़ाइनिंग में मैंने अपनी जो रीडिंग्स थी या जो फाइंडिंग्स थी वो मैंने पूरी कर ली, तो मैंने यहाँ पर कोई प्रोटेक्शन नहीं लगाई सिंपली। तो मैं जब प्रोटेक्शन इसकी यहाँ पर लगाऊंगा, मैं यूं ही करूँगा, इस लोड को खींच के मैं ऐसे नीचे ले जाऊँगा और फिर मैं यहाँ पर पहले अपनी एक रिएक्टेंस लगाऊंगा, ये वाली जैसे ये लगाई है यहाँ पर लगाऊंगा, फिर उसके बाद मैं ये सीटी रिले ये मैं इस बस पर लगाऊंगा, बिल्कुल ऐसे करूँगा जैसे मैंने यहाँ पर बाकी में, ठीक हो गया। अच्छा, अब उसके बाद ये सारी सेटिंग्स हो गई, यानी कि ये यानी मेन एक पावर फ्लो हो गया। अब हम सिटी को देखते हैं कि सिटी को कैसे सिलेक्ट करते हैं। तो ये वाली जो लेटरल है इसमें 31.5 एम्पीयर फ्लो कर रहा है, 31.5 एम्पीयर। तो सिटी की जो सिलेक्शन होती है ये यहाँ पे आपको सिटी मिल जाएगा, एडिट मोड में आप जाएंगे और यहाँ पे पड़ा है ऊपर ये करंट ट्रांसफार्मर, यानी ये वाला जो सेक्शन है सारा, ये मैं इसलिए रिवाइज करवा रहा हूँ, ये बहुत अर्सा हो गया। तो ये वाला जो आपके पास सारा सेक्शन है ये सारा प्रोटेक्शन वाला, ठीक है, जहाँ मैंने अभी एरो ऐसे किया, ये सारा प्रोटेक्शन वाला सेक्शन है। यहाँ पे आपको ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, करंट ट्रांसफार्मर, वोल्ट मीटर, एम मीटर वगैरह और रिलेज मिल जाएंगी, ठीक है, रिले विद एनसी नंबर्स। तो यहाँ से मैंने सिटी सिलेक्ट किया, ये जो पड़ा हुआ है ये वाला करंट ट्रांसफार्मर, इसको मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके लिए ना आपको ये जो कनेक्शन है ये तोड़ने की ज़रूरत नहीं, ये खुद ही बीच में लग जाता है, ठीक है। और ये देखें डॉट ऊपर की साइड पे, आप भी ऊपर की साइड, नीचे की साइड पे रखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अभी यहाँ पे हम वो उस तरह की प्रोटेक्शन नहीं है कि सिटी की डॉट कन्वेंशन से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि एक ही सिटी है, तो इसीलिए डॉट फिलहाल बाय डिफ़ॉल्ट ऊपर है तो ऊपर ही। उसके साथ फिर आगे मैंने ये ओ सी आर रिले लगाई है, ये वाली यहाँ से, ये ओवर करंट रिले है, सिंपल ओ सी आर रिले, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया और सर्किट ब्रेकर जो है ये हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर ये यहाँ पे पड़ा हुआ है नीचे यहाँ, ठीक है। इसके साथ ही लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर पड़ा हुआ है, ये फ्यूज़ पड़ा हुआ है, ठीक है। हमने फ्यूज़ को और लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर को थोड़ा सा प्रैक्टिस किया था। हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर ये पड़ा हुआ है क्योंकि ये हाई वोल्ट है, यानी 400 वोल्ट से ज़्यादा, यानी लो वोल्टेज सर्किट ब्रेकर मैक्सिमम 600 वोल्ट तक अवेलेबल, मैक्सिमम 600 वोल्ट ओनली। जब आपके पास केवी में सिस्टम है तो आपको एच वी सी वी लगाना पड़ेगा, यानी हाई वोल्टेज सर्किट, ये आप यहाँ पर लगा देंगे, ठीक है। अब पहले हम सिटी को देखते हैं। अब जो मेरा वैल्यू आ रही थी पी क्यू में, दोबारा देख, दैट वाज 31.5 एम्पीयर। तो आपने चैप्टर नंबर थ्री खोलना है होरोविट्स का, चैप्टर नंबर थ्री, और वो जो मशहूर टेबल है सिटी का जो मैंने असाइनमेंट में भी मेंशन किया हुआ है, वो टेबल में से आपने देखना है कि आपको स्टैंडर्ड सिटी क्या अवेलेबल है इसके इस लोड करंट के आसपास, और वो है 50:5, यानी सबसे कम जो है जो स्टैंडर्ड अभी फिलहाल अवेलेबल है वो 50:5, ठीक है। तो उसको डबल क्लिक करें, इसकी सिर्फ एक ही सेटिंग है बस और कुछ भी नहीं, ये बल्कि पाँच भी पहले से लिखा होगा सेकेंडरी का, आपने इसकी प्राइमरी में सिर्फ एक वैल्यू पुट करनी है जो कि स्टैंडर्ड वैल्यू होगी, या 50 होगी या 100 या फिर मे बी 150 का है, यानी या 200 इस तरह से,
तो मेरे मुझे चाहिए था मिनिमम वो 50 था, तो मैंने यहाँ 50 पुट किया, सेकेंडरी में 5 पहले से लिखा हुआ है, और कुछ भी नहीं करना, इसको ओके कर दूंगा, ये आपका सिटी सेलेक्ट हो गया। ठीक है, अब ये जब चूंकि इस रिले से कनेक्टेड है ना, तो रिले अपना डाटा यहाँ सिटी से ले लेगी, यानी रिले को ये पता चल जाएगा कि मुझे सिग्नल किस सिटी से मिलना है, यानी इस रिले वन को ये पता चल जाएगा कि उसको सिटी वन से, जो है इसका टैग है सिटी वन, उसको सिटी वन से सिग्नल मिलेगा। ठीक है, जैसे आप इसको अगर डबल क्लिक करें, ये कुछ टाइम लेता है, क्योंकि इसमें कुछ लाइब्रेरी होती है, ये जब कनेक्ट करते हैं तब भी कुछ इस तरह से जरा वेटिंग में लेगा। ये वाली जो प्रोटेक्शन है, चलो मैं तो इसको जब तक ये होता है, ये जो प्रोटेक्शन है ये आपकी होगी इंस्टेंटेनियस प्रोटेक्शन। ठीक है, उसके जो पीछे है वो बैकअप प्रोटेक्शन है, वो हम बाद में देखेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं कि जी इसको जो है वो हमने कैसे सेट किया या सिलेक्ट किया, एंड इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सिस्टम बड़ा हैवी हो गया। यार किसी को सर की आवाज आ रही है। हाँ हाँ जी, हाँ जी, मैं इसका वेट कर रहा हूँ, ये आप देख रहे होंगे ये वेटिंग में ले गया मुझे ना, एक्चुअली ये इसकी लाइब्रेरी है, जैसे वो आप केबल को डबल क्लिक करें ना, तो वो भी उसकी लाइब्रेरी, जिस चीज की भी लाइब्रेरी है ना, तो वो एक्चुअली लोडिंग में, फिर लीजिए होता है एक ही दफा, वंस इट इज लोडेड ना, तो बाकी रिलेज के लिए तो ये फटाफट ही खुल जाता है ये, जी सर, क्योंकि सही। अभी ये है ना कि वो अपना जूम भी ओपन हुआ हुआ है, तो एक दो चीजें और भी ओपन है, तो उस वजह से ना वो जो मेरे लैपटॉप का सिस्टम है बेचारा हैवी हो गया। अच्छा, इसकी जो पिकअप है, मैं ये आपको यहाँ से थोड़ा सा ये, अगर ये पूरा चाहिए शेयर मैं कर दूँ, इसकी जो पिकअप है ना वो हम सेट करेंगे, जैसे आपका ये चैप्टर नंबर 4, आप देखिए जो इवन मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है ना, यू कैन डू दैट असाइनमेंट वेरी इजीली, क्योंकि इस चीज़ में, अच्छा वो आ गया, तो ये अब आपके पास खुल गया जी रिले। ठीक है, जो कि जिसका हम वेट कर रहे थे, इसको पहले देख लेते हैं, आप इसका इनपुट देखें, तो इनपुट में ये बता रहा है कि जी मुझे जो है ना फेज के लिए मुझे सीटी वन से इनपुट मिल रही है, और सीटी वन की रेशियो है 50:5 या 1:10। इसी तरह अगर ग्राउंड कोई मुझे, यानी ग्राउंड फॉल्ट के लिए कुछ ऑपरेट करना है रिले में, तो भी सीटी वन से ही इनपुट मिल रही है, क्योंकि आपको याद होगा हमने पढ़ा है कि थ्री सिटीज की कंबाइंड इनपुट जो है वो बाज़ूकात हम देते हैं जब हमने 51G लगानी होती है, तो फिलहाल इसलिए वो यहाँ पर ये हमें इंडिकेट कर देता है कि हाउ मेनी सिटीज आर देयर फॉर फेज टाइप ऑफ द फॉल्ट एंड फॉर द ग्राउंड टाइप ऑफ द फॉल्ट, तो ये वो यहाँ पर इनपुट में मेंशन कर देता है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन होती है, इसमें हमने सेटिंग कुछ नहीं करना होता, इवन यहाँ पर उसने करंट समर का भी इसीलिए उसने ये ऑप्शन दिया है कि अगर आप रेजिडुअल करंट ले रहे हैं, यानी अगर आपके पास थ्री सिटीज हैं और तीनों का आप रेजिडुअल करंट लेना चाहते हैं, तो ये उसकी भी ऑप्शन है। ठीक है,
तो वो फिर आपका रेजिडुअल करंट रिले हो जाएगा। तो ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है फिलहाल हमारे लिए। आउटपुट जो है, आउटपुट में हम ये सिलेक्ट करते हैं कि रिले ने जो अपना ट्रिप सिग्नल है वो किस ब्रेकर को देना है। तो ये रिले के जो पास जो ब्रेकर लगा हुआ है ये CB1 है, और इसको आप यहाँ ऐड से ऐड करते हैं, ठीक है। ये आपने ऐड का बटन दबाना है, वो आपसे पूछेगा जी कि रिले एलिमेंट जो है वो क्या है, ठीक है। आपने एनी पे क्लिक कर देना, यानी फेज वाली रिले है, ग्राउंड रिले है, क्या है, आप एनी पे क्लिक कर दें। लेवल जोन वगैरह ये भी कोई हमने बाकायदा से सिलेक्ट नहीं किया, क्योंकि जोन तो आपको पता है कि डिस्टेंस प्रोटेक्शन के भी होते हैं या इस तरीके से, तो ये भी आप एनी कर। डिवाइस जिसको ट्रिप करवाना है दैट इज हाई वोल्टेज सर्किट ब्रेकर, और आईडी जो है ये बाय डिफॉल्ट ही सेट होगा HVCB, और उसका आईडी जो है ये इंपॉर्टेंट है, बस आईडी इंपॉर्टेंट है, विच इज CB1। ये आप जरा ध्यान से दीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ चार ब्रेकर लगाए हुए हैं तो इसलिए वो शो कर रहा है CB1, 2, 3, 4। आप जब करेंगे तो आप पहला ब्रेकर लगाएंगे वो यहाँ पर सिर्फ CB1 ही शो करेगा, ठीक है। ये जरूरी है कि आपने जिस ब्रेकर को ट्रिप करवाना है उसका आईडी करेक्टली यहाँ मैच। उसके बाद एक्शन क्या परफॉर्म करवाना है दैट इज ओपन, तो इसको फिर आप ओके कर दें, एंड दैट इन दैट वे यू हैव सेट योर आउटपुट ऑफ द रिले। ओवर करंट प्रोटेक्शन जो है इसमें अगर आप आते हैं तो ये वो जगह है जहाँ पर आप मेनली या जो चीज़ आपने सिलेक्ट करनी है ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिहाज से करनी है वो यहाँ पर आप करें, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने लाइब्रेरी में जाना है, लाइब्रेरी में जाकर आपने रिले सिलेक्ट करनी है, वरना फिर से एरर ही आएगा। तो आप सिलेक्ट कर लें ABB की रिले, ABB की काफ़ी अच्छी रिलेज हैं, और मैन्युफैक्चरर्स में ना जाएं तो अच्छा, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल रिलेज ऑफर करता है ABB जो है। तो ABB की आप मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, और उसके बाद आप यहाँ फंक्शन में ओवर करंट ये भी बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हो। हमें ओवर करंट प्रोटेक्शन नहीं चाहिए, हमें ना डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस अवेलेबल भी नहीं, और डिफरेंशियल जो है वो नहीं हमने करनी है अभी, हमने सिर्फ ओवर करंट करनी है। प्रोटेक्शन की टाइप में भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने कोई मोटर की प्रोटेक्शन नहीं करनी, हमने कोई जनरेटर की नहीं करनी, ठीक है। अगर आप यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में देखो, ठीक है, तो हमने जनरल पर्पज़ प्रोटेक्शन करनी है, लिहाजा हमने स्पेसिफिकली किसी चीज़ की प्रोटेक्शन नहीं करनी, तो आप यहाँ पे इसको अनचेक छोड़ दें। और आप सिलेक्ट कर लें सबसे पहली रिले 50B, ठीक है। 50B इज़ अ वेरी गुड रिले जो कि आपको इंस्टेंटेनियस ऑपरेशन देती है, और ये देखें कि इवन यहाँ पर उसका टाइम भी मैंशन नहीं है कि रिले ने कितने टाइम में ट्रिप करना, क्योंकि वो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है कि कम से कम मिली सेकेंड में उसने ट्रिप सिग्नल अपना दे देना है।